Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a, uni as a Union territory is temporary. That the status of the Union territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. The status of Ladakh as a Union territory is upheld. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. Constituted under section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024। Court के एक बड़ा ही, ही था ये कोई परमानेंट चीज नहीं थी तो जो सरकार ने किया था 5 अगस्त 2019 को वो अपने आप में बिल्कुल ठीक इसको यहाँ पे इसको रखा है पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि बहुत ही जल्द इसका जो स्टेट हुड है जम्मू कश्मीर का वापस से रिस्टोर करना चाहिए और वहां पर इलेक्शन होने चाहिए 30 सितंबर 2024 से पहले पहले तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन थे इनको और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो दोस्तों डेट है आज की 12 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा था आर्टिकल तीन की तो यहाँ पर हुआ क्या है ना

बिल्कुल हमारे लिए कंफर्म हो चुकी है कि आर्टिकल 370 टेंपरेरी था और जो प्रेसिडेंट थे वो बिल्कुल उनके पास पावर थी कि एक तरह से वो नोटिफिकेशन के थ्रू इसको यहां पे खत्म कर सकते थे साथ ही साथ भले ही जिन पर्टिकुलर असेंबली ने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950s की बात कर रहा हूं ठीक है तो बाद में वो डिसॉल्व हो गई थी पर उसकी वजह से प्रेसिडेंट की पावर खत्म हो गई है इसको डिक्लेयर करने की ऐसा कुछ भी नहीं है प्रेसिडेंट्स आपके पास बिल्कुल यहाँ पे पावर थी और देखो हमारी जैसे बाकी स्टेट्स है ना बिल्कुल जम्मू कश्मीर भी उन्हीं की तरह ही है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की खुद कोई इंटरनल सॉवरिटी नहीं है मतलब कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है पर जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग क्या चीजें होंगी उसका फैसला बिल्कुल भारत कर सकता है जैसा कि बाकी स्टेट्स के अंदर होता भी है साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे आर्टिकल तीन सौ सत्तर का टेम्प्ररी प्रोविजन है दरअसल में हुआ क्या ना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरे जजमेंट को या पूरे मुद्दे को इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म कर दिया कि क्या आर्टिकल तीन सौ था या नहीं था क्या अमेंडमेंट कर सकते थे क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा का पूरा आपका जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल है या नहीं है इस तरह से सात आठ क्वेश्चन कर दिया था और उन्हीं के हिसाब से मैंने आपको जो, जो की टेक ये की बताए उन्हीं के हिसाब से हमें देखने को मिल जाते थे कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल सॉबी नहीं है आर्टिकल तीन एक टेम्परेरी प्रोविजन है एंड साथ ही साथ हमारे जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो बिल्कुल अप्लाई किए जा सकते हैं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो कि यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिले ये सारे के सारे पॉइंट्स पे आपको बता भी दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड होगा जल्द से जल्द पे रिस्टोर किया जाएगा राइट एंड साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना ये बात भी एक मुद्दा उठा था कि नोटिस करो कि जब ना हमने उस टाइम पांच अगस्त को ये चीज दो को करी थी तो उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजिडेंट रूल लगा हुआ था तो क्या उस समय के ऊपर यूनियन अपना फैसला ले सकती है इस तरह का कि जो कि इिवर्सिबल हो द आंसर इज यस वो ले सकती है ठीक है ना तो यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम के ऊपर जो चीजें करी गई ना तो वो ठीक थी और हर पर्टिकुलर डिसीजन को आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते कुछ चीज़ों के ऊपर उनके पास रिस्ट्रिक्शन है कि यूनियन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता पर ये वाली चीज उस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं आती है ऐसा भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट है ना इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसको ही उठा के देख लो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर हमेशा इंडिया का हिस्सा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भी इट इज लिखा हुआ है इट इज के अंदर भी पे लिखा हुआ है। तो ये सारी सारी चीजें हमें बताती है की डेफिनेटली जम्मू कश्मीर का जो फैसला था आर्टिकल तीन सौ सत्तर को एब्रोगेट करना अपने आप में पार्लियामेंट की पावर्स के अंदर बिल्कुल था साथ ही साथ कुछ जजेस ने यह भी बोला है कि वहां पर हमारे पास एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमेटी को हमारा यहाँ पे गठन करना चाहिए ताकि जो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ मतभेद है कुछ लोगों के अंदर शंका है कुछ डर है इस चीज़ के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे हम खत्म कर पाएं तो एक तरह से ट्रुथ एंड जो रिकन्सिलेशन कमेटी के माध्यम से लोगों के अंदर हमें एक ट्रस्ट ह्यूमन राइट के जो वायलेशन हुए हैं अलग अलग स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर मतलब के द्वारा उन कमीशन के माध्यम से ये सारे एलिगेशन को देखना चाहिए और जिन भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस दिलाने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए बाकी इलेक्शन वगैरह का तो मैंने आपको सिस्टम बता ही दिया यहाँ पर और भी आप चीजें पढ़ सकते हो जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने बात करी है कि बेसिकली थ्री टेम्प्ररी प्रोविजन एंड यहाँ पे इसकी कोई इंटरनल सॉवरिनिटी यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती साथ ही साथ ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं देखने को मिलता कि प्रेजिडेंट साहब ने जो ऑर्डर इशू करे वो गलत उनके गलत इंटेंशन के साथ किए ऐसा भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता और साथ में इन्होंने ये भी बोला है ना कि जो जम्मू एंड जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम रेटिफाई कर सकती थी तो वो जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना वो वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर काम में आई क्योंकि उस टाइम आप नोटिस करो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया था जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अटैक हो गया था तो उस समय के लिए वो चीज़ ठीक थी पर आज के समय के हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है ऐसा यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे बात थी ठीक है ना तो ये सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए कि इस पर फैसला रहा क्या है क्या

ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे सी सेट क्लासेस ट्वेंटी बुक्स और आपका जो एंड इंटरव्यू रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा इनकी टोटल तीन साल की हमें वैलिडिटी देखने को मिल जाती है ये सारे कॉम्पोनेंट सी मॉडल के थ्रू कराए जाते हैं जिसकी मदद से आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने नीचे कॉमेंट्स के अंदर गूगल फॉर्म भी डाला है तो आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो हमारी टीम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए आपको रीच आउट कर लेगी साथ ही साथ आप हमें इस नंबर पे सेवन सेवन थ्री वन नाइन वन टू इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी अपने जो भी डाउट्स हैं उनको भी यहां पर हमारे से रिजॉल्व करवा सकते हो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम देखो लगभग आज से दो महीने पहले मैंने पहले भी डिस्कस किया था पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं तो अभी हमारे पास ना एक डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत लगभग इक्कीस लाख एप्लीकेशन हमें देखने को मिली है पिछले ढाई महीने के अंदर अपने आप में काफी बड़ा नंबर है थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसकी पे हम बात क्या कर रहे हैं तो ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ना दरअसल में इसमें अलग अलग आपके जो आर्टिस और आपके क्राफ्टमैन है ना उनकी हम क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जैसे आपके लुहार हो सकते हैं आपका कोई पर्सन हो सकता है जो कि झाड़ू बनाता हो जो कि मैट बनाता हो या फिर यू नो बोट बनाता हो इस तरह के या फिर ना जो मोची का काम करते हैं इस तरह जो कारपेंटर हो गया कॉबलर हो गया ये अलग अलग हमें जो इस तरह की अठारह ट्रेडिशनल ट्रेड्स के अंदर काम करते हैं ना उनको यहाँ पे इसके अंदर कवर किया गया स्कीम के अंदर सर इनको फायदा क्या होगा इनको फायदा इस तरह से है कि हम ना यहाँ पर इनकी थोड़ी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं इनके पास कुछ नए तरह के इक्विपमेंट आए ताकि इनके ना स्किल्स वगैरह बढ़े और अपनी आमदनी वगैरह को बेहतर ढंग से इम्प्रूव कर पाएं ये सारी बातें हैं ताकि इनकी क्वालिटी एंड रीच को हम यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएं ये काम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का तो मैंने आपको बता ही दिया किन किन यहाँ पे प्रोफेशन को ये बेनिफिट करेगा यहाँ पर ये क्या है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका कितना इनिशियल आउटले है तेरह हजार करोड़ का ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देखो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं पर नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑन्टरपिनरशिप हो गया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया और इस तरह से आपको ये भी पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिल जाएगा तो वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा एट सी सी जो होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर ठीक है ना ताकि बायोमेट्रिक इनका हो पाए बिल्कुल फ्री के अंदर यहां पर आप इनके ना बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हो पहली बात तो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा इनको आई कार्ड मिलेगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा कि हाँ इन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी है इन्होंने इतना स्किल यहां पे इंक्लूड किया है यहां पर ना इनका स्किल असेसमेंट होगा फिर एक, हो एक हो बेसिक ट्रेनिंग होगी और एक एडवांस ट्रेनिंग भी होगी बेसिक ट्रेनिंग पांच से सात दिन की होगी एडवांस ट्रेनिंग पंद्रह या उससे ज्यादा दिनों की भी हो सकती है और हर दिन के लिए इनको पांच सौ रुपए का स्ट्राइपमेंट भी आपको दिया जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के दौरान टूल किट्स इंसेंटिव ठीक है ना पंद्रह हजार तक का इंसेंटिव दिया जाएगा इनको ट के रिगार्डिंग साथ साथ ठीक होंगी डिजिटल ही होंगी तो लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी एक्चुअल में जो लोन होगा ना ये कोलेटरल फ्री होगा कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा तीन लाख तक का आपको लोन मिल सकता है दो ट्रांचेस के अंदर पहली ट्रांच एक लाख की और दूसरी दो लाख तक की टेन्योर उसका क्या होगा अठारह महीने और तीस मंथ्स तो मार्केटिंग सपोर्ट भी इनको थे जो भी जो भी लोग इन प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं ना मैंने जो प्रोफेशन बताए थे इनको यहाँ पर स्कीम के माध्यम से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर वेरिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना थ्री टीयर मैकेनिज्म भी देखने को मिला है जैसे पहली स्टेज के अंदर आपके ग्राम पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडी लेवल के ऊपर वेरीफिकेशन होगा फिर जो रिकमेंडेशन होंगी वो आएंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास एंड स्टेज थ्री के अंदर फाइनली अप्रूवल होगा बाय द स्क्रीनिंग कमेटी जो कि चेयर कौन करेगा एक ऑफिसर होगा आपके इसी का एमएसएमई मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग जो कि इस चीज़ को अप्रूवल करेगा तो इस तरह से इस सारा प्रोसेस वर्क करेगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दैट इज एनिवर्सरी ऑफ ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इसकी पचहत्तरवीं एनिवर्सरी थी अभी रिसेंटली दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो 10 दिसंबर 1948 इस तारीख को ये यूडीएचआर हमें अडॉप्ट होता हुआ देखने को मिलता है तो अभी इसके 75 इयर्स हमें यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे 2023 की जो थीम है ना दैट इज फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल देखो आपने देखा होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद ना कहीं ना कहीं कंट्रीज ने रियलाइज किया कि नहीं यार ह्यूमन राइट्स की हमें ना कुछ वैल्यू करनी चाहिए उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए तो उस वजह से ना डिफरेंट कंट्रीज साथ में आती हैं और इन ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी मतलब ह्यूमन राइट्स होते क्या है ऐसे राइट्स जो सभी ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं उनकी कोई भी रेस हो कोई भी सेक्स हो कोई भी नेशनलिटी हो जो सबको राइट्स मिलते हैं दैट इज ह्यूमन राइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्लेवरी एंड टॉर्चर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन इस तरह के जो सारे राइट्स होते हैं ना वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को मिलने चाहिए ये होते हैं ह्यूमन राइट्स ठीक है तो 1948 के अंदर हमें इस तरह के कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो यूएन जनरल असेंबली यू एन जो मिली थी पेरिस के अंदर उसके द्वारा इनको यहाँ पे प्रपोज किया गया था अब नोटिस करना मैंने क्या बोला ये प्रपोज किया गया है मतलब इनको यहाँ पे हमने बोला कि हाँ ये होने चाहिए पर ध्यान रखना ये कोई ट्रीटी नहीं है दिस इज़ नॉट अ ट्रीटी और ना ही इस वजह से ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं है कहने का मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि हर नेशन को इसको अडॉप्ट करना ही करना है बस ये हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए पर है नहीं है वो एक अलग बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया तो इनको मानता है इंडिया बोलता है कि हाँ यार यूडीएचआर अच्छे हैं तो इस वजह से आप हमारे प्रेम्बल की बात कर लो आप हमारे आप हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कर लो आप हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो आप डीपीएसपी की बात कर लो इन सभी के अंदर हमें ना यूनाइटेड यूडीएचआर की एक झलक डेफिनेटली देखने को मिलती ही मिलती है तो इस डेक्लेशन का एक अंदर आपको एक प्रेम्बल देखने को मिल जाएगा टोटल थर्टी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इनको पाँच सौ लैंग्वेज से ज्यादा के अंदर ट्रांसलेट किया जा चुका है तो ह्यूमन राइट्स लॉ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पिलर्स बन जाते हैं इसके साथ ही रेसिज्म के अगेंस्ट जो लड़ाई हो गया एल जी बी टी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं डीकोलोनाइजेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के अंदर भी ना इन सभी चीज़ों ने यू डी एच आर ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जैसा कि मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलग अलग प्रिंसिपल ना उनका भी मैंने आपके साथ जिक्र किया आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टैचू इन को तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि स्टैचू जो यहाँ पे लाया गया है ये क्लियरली शो करता है कि इंडिया और फ्रांस के, के बॉन्ड्स बेहतर होते जा रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको थिरुविल्लुर के बारे में बताना चाहूंगा तो दरअसल इनको वल्लूर के नाम से भी जाना जाता है ये एक इंडियन और फिलोसफर है यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो तिरुकुरल ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसके अंदर एथिक्स के बारे में बात करी है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स लव के ऊपर बात करी गई है तो एक तरह से ये विजडम और नॉलेज के के बहुत की तरह खड़े होते हैं तो यहां पर इन्होंने जब बात करी ना इस पर्टिकुलर बुक के अंदर वो था कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए और हमें गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे टोटल इसका जो डिविजन है वो तीन बुक्स के अंदर हो रखा है सर कौन सी एक तो आपकी अरम अरम बोलते हैं वर्चू को पोरुल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के बारे में कमम लव के बारे में ठीक है ना तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बाकी अगर आप नोटिस करो ना इनके बहुत सारे टेम्पल्स और मेमोरियल्स आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिल जाएंगे जैसे तिरुवलुर टेम्पल जो था वो आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिल जाएगा ठीक है जिसको सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था टेम्पल मेमोरियल आपको देखने को मिल जाएगा चेन्नई के अंदर ही ठीक है ना वल्लुवर कोटम एक जगह है चेन्नई के पास में ही वहां पे आपको देखने को मिल जाता है एशिया का लार्जेस्ट ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल जाता है स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा कन्याकुमारी के अंदर इनका 133 फुट लंबा स्टैचू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है संगम लिटरेचर की मैं बात करता हूँ ना तो उसी के रिगार्डिंग ये आपने देखने को मिलता है आपने पढ़ा होगा संगम पीरियड के बारे में फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सीई के बीच में मदुरई के अंदर कुछ इंपॉर्ट राइटिंग्स होती है तमिल लैंग्वेज के अंदर उनको बोलते हैं संगम लिटरेचर तो यहाँ पर तोलका पीएम एक तो हो गया जो कि ग्रामर की बुक है आपने पढ़ा होगा इसके अलावा एतुत एतुत कोई एतुत कोई क्या भी है 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 बेसिकली पे पे एट 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 आपके जो कलेक्शंस कलेक्शंस की की बात बात करता है, एतु, 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 मतलब एट होता है, एट की यहां पे बात हो रही है उसी तरह से यहाँ पे पत्तु पत्तु की बात जब मैं करता हूँ ना तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके जो आपके टेन मेजर वर्क्स की यहाँ पे या फिर टेन पोइम्स की बात कर सकते हो ठीक है टेन पोइम्स की यहाँ पे बात हमें देखने को मिल जाती है टेन एंशियंट तर्मिल पोईम्स के यहाँ पे कलेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा तो ये कुछ बात थी संगम लिटरेचर के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज ईस्टर्न जोनल काउंसिल देखो अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई और वहां पर हमारे जो बिहार के सीएम हैं ठीक है नीतीश कुमार जी उन्होंने क्या बात करी है उन्होंने बोला कि बिहार को भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए एंड साथ साथ उन्होंने नाइन्थ शेड्यूल की भी यहाँ पे बात करी तो मैं थोड़ा आपको पहले ना आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जोनल काउंसिल आखिर होती क्या है देखो इंडिया को ना अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न काउंसिल वेस्टर्न काउंसिल सेंट्रल काउंसिल सदर्न काउंसिल ईस्टर्न काउंसिल और एक बाद में बनी थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल तो होता क्या है ना आपस में ये रीजन्स मिलकर आपस में देखें कैसे कहे ना कहे जो इशूज हैं इस रीजन के अंदर उनको कैसे हम बेहतर कर पाए उसके लिए जोनल काउंसिल का निर्माण हमें देखने को मिल जाएगा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जोनल काउंसिल्स क्या है आपकी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो लॉ के थ्रू बनी है आपका 1956 के अंदर एक्ट पास होता है स्टेट रिओग्नेशन एक्ट ठीक है इसके बहुत सारी नई स्टेट्स भी बनती हैं एंड उसी के अंतर्गत का जोनल काउंसिल हमें देखने को मिल जाएगी तो पांच जोनल काउंसिल जो जो ये वाली बात कर रहा हूँ ना ये इस एक्ट के थ्रू बन गई थी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल नदन जोनल काउंसिल हो गया इसमें ये सारी स्टेट्स आ गया उसके अलावा आपकी सेंट्रल जोनल काउंसिल ईस्टर्न जोनल काउंसिल वेस्टर्न और सदर्न तो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी मीटिंग किसकी हुई थी अभी हुई थी ईस्टर्न वालों की जहां पे बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये स्टेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं तो इस जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं ना वो होते हैं होम मिनिस्टर जी और साथ साथ जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं इन स्टेट्स में से किसी के चीफ मिनिस्टर ही इसके वाइस चेयरमैन होते हैं एक्चुअली क्या होता है ना रोटेशन के हिसाब से मान लो जैसे मैं बात कर रहा हूँ इनकी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की तो एक साल बिहार के हो गया दूसरे साल झारखंड के तीसरे साल उड़ीसा के चौथे साल वेस्ट बंगाल के एंड फिर पांचवें साल फिर से बिहार के ऐसे ये वाइस चेयरमैन चेंज होते रहते हैं मेंबर्स की जब मैं बात करता हूं तो चीफ मिनिस्टर हो गया और दो और मिनिस्टर जैसे कि उस स्टेट के गवर्नर्स यहां पे नॉमिनेट करते हैं और यूटी की तरफ से भी दो मेंबर्स यहां पे नॉमिनेट किए जाते हैं ठीक है ना और जो मैं बात कर रहा था ना देखो यहां पर ये पांचों तो हमारे जो नॉर्दर्न सेंट्रल वेस्टर्न सदर्न और ईस्टर्न ये तो हमारे स्टेट रिओर्गनेशन एक्ट से बन गई पर जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी ना ये बनी है बाद में बाद में मतलब कब ये बनी आपकी 1971 के अंदर वहां पे हमने एक्ट पास किया नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 उसके माध्यम से एनई यहां यहाँ पे फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिल जाएगी ठीक है पहले आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले जो सिक्किम था ना ये रहा सिक्किम सिक्किम आप कहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर पहले ये आता था ईस्टर्न जोनल काउंसिल समझना इस बात को मैंने क्या बोला पहले जो सिक्किम था ये रहा आपका सिक्किम पहले सिक्किम ईस्टर्न काउंसिल के अंदर आता था पर बाद में हमने 2002 के बाद बोला कि नहीं इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे तो आज के समय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंतर्गत आता है बाकी वही बात है होम मिनिस्टर जी ही यहाँ पे एक्स सौ चेयरमैन है पर आप एक बार नोटिस करोगे यहाँ पर ना हमारी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक अलग से मिनिस्ट्री है आपने डोनर मिनिस्ट्री का सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ये जो मिनिस्ट्री है अलग से मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट के लिए बिल्कुल तो यही इसकी नोडल मिनिस्ट्री की तरह एक्ट करती है तो जो इसके मिनिस्टर होते हैं ठीक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वो यहां पर इसके वाइस चेयरमैन होते हैं देखो चेयरमैन तो होम मिनिस्टर ही हैं बट वाइस चेयरमैन यहां पे बदल जाते हैं ये पॉइंट्स आपको यहां पे पता होने चाहिए बाकी जो मैं बात करूं कि जो नीतीश कुमार जी ने बात करी कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए तो आप नोटिस करो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था वो 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन बेसिकली सेंटर यहां पर ना जो असिस्टेंस देता है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स के लिए उन स्टेट्स के लिए जहां पे जोग्राफिकल डिसएडवांटेज होता है या सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है उन सभी की बातों की यहाँ बात देखने को मिल जाती है ध्यान रखना संविधान के अंदर कहीं भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जिक्र नहीं हमें देखने को मिलता तो कुछ स्टेट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हिली टेरेन हो गई किसी जगह के ऊपर बॉर्डर के पास में हो इंटरनेशनल बॉर्डर हो ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट स्टेट्स को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर डाल सकते हैं तो यहाँ पर आज के समय ना ये 11 स्टेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी तेलंगाना जो नई स्टेट फॉर्म हुई थी उसको भी ये स्टेटस दिया गया था क्योंकि ये नई स्टेट बनी थी इस वजह से ठीक है तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए नाइन्थ शेड्यूल की भी बात करी उन्होंने बाला बोला कि जो बिहार के अंदर रिजर्वेशन लॉ है उसको भी आप नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल दीजिए तो थोड़ा नाइन्थ शेड्यूल में पढ़ लेते हैं तो शेड्यूल को नाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ये सवाल भी यूपीएससी ऑलरेडी हमसे पूछ चुका है ताकि कहीं ना कहीं ना जो लैंड रिफॉर्म्स हैं लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा पाए पर बाद में दरअसल में पता क्या होता है पहले तो यही सोचा गया था कि इनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते पर बाद में बहुत सारी जजमेंट्स आई और आई आर कोहेलो केस भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट आई भी मेन्स के अंदर यूपीएससी पूछ चुका है कि कोई भी लॉ आपने जो इंक्लूड किया है ना ये वाला डेट ये डेट कौन सी है ये है केशवानंद भारती केस वाली डेट है चौबीस अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री उसको डेफिनेटली एग्जामिन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ऐसा आई आर कोहेलो केस के द्वारा बताया गया था तो ये थी आज की डिस्कशन इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिनका मुझे आप कहाँ आंसर दोगे नीचे कमेंट के अंदर आंसर दोगे ठीक है ना जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आपको आंसर देता हूँ जैसे एशियाटिक लाइन की बात करें तो क्या ये वलनरेबल है बिल्कुल गलत बात है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं तो पहला स्टेट में आपका फॉल्स हो गया सीसीपीआई यूनेप करता है बिल्कुल गलत है यहाँ हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका जर्मन वॉच हो गया आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो गया और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये मिलकर इसको करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस मेंबर ऑफ द हाउस इज नॉट अ मिनिस्टर बिल्कुल ये ठीक बात है ठीक है ना साथ में आज का होमवर्क क्या रहेगा यूडीएचआर के कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको दे रहा हूँ देखते हैं आपने कितना ढंग से सुना है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना एंड दूसरा आपका ये होमवर्क रहेगा युवा एआई के बारे में तो इसका आंसर भी आप कोशिश कीजिएगा कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसका आंसर बताता हूं मॉनिटरी पॉलिसी करें प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करती है बिल्कुल ठीक बात है और साथ साथ ग्रोथ का भी ध्यान रखा जाता है बेसिकली आरबीआई के द्वारा जो मॉनिटरी पॉलिसी दी जाती है ना तो रेपो रेट जो कि हमारा पॉलिसी रेट होता है उसके हिसाब से यही कोशिश करी जाती है कि दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बना रहे दूसरा कहता है, है जिसके ऊपर आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है है बैंक्स को बिल्कुल ठीक बात बट विदाउट एनी लिमिट, नहीं नहीं भैया पर आपका जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होती है ना उसकी कुछ लिमिट्स होती है जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सेकंड गलत है पहला ठीक है आपका ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर दूसरा होमवर्क था आपका विद रिगार्ड पॉम्पे डिजीज के बारे में देखो अभी हुआ पता क्या है हमारे यहाँ एक पेशेंट थी ठीक है ना पॉम्पे डिजीज से जो सफर कर रही थी तो पॉम्पे डिजीज की उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है तो इस वजह से पॉम्पे डिजीज न्यूज में था एक्चुअली में पता हूँ क्या होता है पॉम्पे डिजीज के अंदर ये क्या है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जब आपके पेरेंट्स की साइड से भी मतलब आपके फादर की साइड से भी और आपके मदर की साइड से भी दोनों की साइड से जब डिफेक्टिव जीन आते हैं ना तो उस वजह से आपके अंदर पॉम्पे डिजीज हो सकता है पर होता क्या है देखो यहाँ पर एक्चुअली पता क्या होता है एक इंजाइम होता है इंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकिडिस ठीक है ये पर्टिकुलर चीज की ना डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से पता क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से ये होता है कि जो ग्लाइकोजिन होता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं होता और जब ये ब्रेकडाउन नहीं होता तो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है जैसे लिवर वगैरह के अंदर इसी वजह से इस डिजीज का नाम क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप टू ग्लाइकोजन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो बट जो कन्वर्जन होना था ग्लूकोज के अंदर वो हो नहीं रहा इसी बढ़ने की वजह से आपके मसल वीक हो जाएंगे आपको चलने के अंदर दिक्कतें आएंगी रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे कार्डियक इश्यूज आएंगे ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे तो अपने आप में क्या है एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कोई भी क्योर नहीं है एक्चुअल में आपको समझाने की कोशिश करूं क्योर इसका हमें नहीं देखने को मिलता एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूर है है ठीक ठीक ना जिसके वजह से आप थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हो बट अगर कोई आपसे पूछे इज अ क्योर फॉर डिजीज द आंसर इज नो देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर फॉर पॉम्पे डिजीज ये बात आपको पता होना चाहिए और अपने आप में बहुत ही कम प्रेविलेंस है इसकी इंडिया की अगर हम बात करें ना तो लगभग पचास लोगों को यह पॉम्पे डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी तो चालीस गया या तीन लाख हो गया इतने बच्चों के बीच में किसी एक पर्सन को यहाँ पे पॉम्पिट डिजीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है बाकी सिम्टम्स क्या है इश्यूज़ क्या है वो आप जानते होंगे रेयर डिजीज मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर रखी है यहाँ पर वो डिजीज़ जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती उनको बोलते हैं रेयर डिजीज़ पहले भी इसकी डेफिनेशन वगैरह हम जान चुके हैं और इसी वजह से जो आपके जो कंपनीज वगैरह होती है ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो ज़्यादा रिसर्च भी इसके रिगार्डिंग नहीं करती तो यहाँ पर जो बात करी गई है ना आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर करेक्ट पूछा था तो ओनली थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है ना तो ये थी आज की डिस्कशन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल Pw ओनली एस Official पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड गुड बाय एंड गुड लक